बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत ना करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूंगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अनवर साहब बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काप की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूं। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहां तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला जिंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दे, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद आमद है, मगर यूं लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफा फूलों से कहीं ज्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है ना सरकार। ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है, सिर्फ फौज जानती है, मगर वो सिर्फ फौज जानती है मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है, और हम सब जानते हैं यहां बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। इस कॉन्फ्रेंस में अदब पर बात हो रही है, हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्वरी, मुसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वजीर आजम से लेकर सारे वजीर बच्चा जमूरा बन जाते हैं। दुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है, ओए बच्चा जमूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी यह है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है,
वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी, पाकिस्तान में पठान पर FIR पर FIR का तोड़ दिया। पाकिस्तान में पठान पर FIR पर FIR कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर वन। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर वन है। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है, उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मोहम्मद अहमद शाह की उर्दू से मोहब्बत उनको लाहौर ले आई। मैं पहले कह चुका हूं, कराची में 15 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, शहर के हालात कुछ भी हों कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज साहब पर बात हो रही है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज साहब पर बात हो रही है। मेरी जान नाच का गम न कर कि न जाने कातिब वक्त ने, मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिब वक्त ने, किसी अपने कलमे भी भूल कर कहीं लिख रही हूँ मुसर्रतें। देर से आंख पे उतरा नहीं अश्कों का अजाब, अपने जिम्मे है तेरा कर्ज न जाने कब से, पैसा का कर्ज उनके आंसू थे, हमारा कर्ज बिल्कुल अलग है।